शुरू करेंगे हाइपरबोला। उसके पहले आपको याद है आपने पैरा ये एलिप्स पढ़ा हुआ था, उसमें हम इस तरीके से एक्सिस था, यहाँ पे हमने चलो ले लिया ओरिजिन, ये लो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट होता था, फिक्स पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, साइड में से वो ले लेते हैं, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट होता था और एक फिक्स लाइन होता था, लाइन को मैं यहीं कहीं पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। पर ढेर सारे पॉइंट हम इस प्रकार लें, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया, है ना, ये याद है इसको फोकस कहते थे हम, ये वाला क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स होता था, है ना। और जो भी पॉइंट आप लेते थे, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, वेरिएबल पॉइंट ले लिया एक्स वाई, उसका एक फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, पी एफ अपॉन पी एम, मतलब हम उस रास्ते को तैयार कर रहे हैं जिस रास्ते पे हम उस रास्ते को तैयार कर रहे हैं जिस रास्ते पे चल के, है ना, ऐसे सारे पॉइंट को हम, वो पॉइंट का कंडीशन क्या होना चाहिए कि फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। और जब ई लेस देन वन होता था तो पता वो एलिप्स बनता था, ई इक्वल टू वन होता था तो पैराबोला बनता था। अभी हम हाइपरबोला की बात करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो कैसा इक्वेशन बनेगा इसकी बात करेंगे भाई, समझ रहे हो। इसी रास्ते पे मान लो एक पॉइंट ये भी है, ये वाला है, इसको मैं ए कह लेता हूँ ए, ठीक है भाई। और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं ए जीरो। इसी रास्ते पे एक और पॉइंट है, मान लो ये वाला ए डैस, ये हो गया माइनस ए जीरो, ये उसी रास्ते पे, इसी रास्ते पे बहुत सारे पॉइंट है, तो इसी रास्ते पे, क्लियर है। और हमें इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से सबका लोकेशन देखना है, यहाँ से देखना डिस्टेंस कितना है। अगर ये ए जीरो है तो ओरिजिन से ए है, समझ में आ रहा है कि यहाँ रख। देखो अब ये मैं कह रहा हूँ कि ए जो है ना उसी रास्ते पे जो इसको फॉलो कर रहा है, जहाँ पे ये पी है सारा। तो जरा एक बात बताओ, जरा देखो जैसे तुमने एलिप्स का बनाया था, ये देखो ए एफ इक्वल टू ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा फिक्स लाइन, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं जेड कह लेता हूँ, अपॉन ए जेड इक्वल टू ई। तो यहाँ से ए एफ इक्वल टू क्या हो गया, ई ए जेड फर्स्ट। सिमिलरली ए डैस का फिक्स पॉइंट ए डैस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए डैस एफ फिक्स पॉइंट और ये रहा फिक्स लाइन, इक्वल टू ई ए डैस जेड, सॉरी हाँ ई तो रहेगा ई ए डैस, जैसे आपने एलिप्स का बनाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। सेकेंड में से फर्स्ट को लेस कर दो, सेकेंड में से फर्स्ट को, तो ए डैस एफ माइनस ए एफ इक्वल टू ए ए जेड माइनस, बल्कि ए डैस जेड सेकेंड में से फर्स्ट लेस किया हमने, ये देखिए आप सेकेंड में से फर्स्ट लेस किया, क्या लग रहा है ए डैस एफ में से ए एफ लेस करोगे तो ए ए डैस आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला ए ए डैस इक्वल टू ई ए डैस जेड, ए डैस जेड को मैं लिखता हूँ ए डैस ए प्लस ए डैस जेड ए डैस ए माइनस ए डैस ए माइनस, हमें कहाँ ए डैस जेड चाहिए ना, माइनस ए जेड, देख लो आप नहीं देखिए, तो ए डैस जेड को मैं क्या लिख दूँ, ए डैस जेड को ए डैस ए और माइनस ए जेड हो गया, ये देखो माइनस ए जेड, ठीक है भाई। ये हो गया टू ए ई टू ए माइनस टू ए जेड, है ना, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ए अपॉन ई इक्वल टू ए माइनस ए जेड, यहां से ए जेड आप निकाल लो, ए जेड इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए बाई ई, एक इक्वेशन तो ये बन गया, देख लो, ठीक है। ये ई का वैल्यू वन से बड़ा है, याद रखना ई का वैल्यू वन से बड़ा है, देख रहे हो ई का वैल्यू वन से बड़ा है इस केस के लिए। तो ए जेड हमारा निकल गया, ए जेड हमारा निकल गया, ठीक है। अब जरा सुनना, अब इसमें पुट कर दो ए एफ, ए एफ
ए एफ को मैं लिख दूँ ओ एफ माइनस ओ ए लिख दूँ ए एफ को, है ना, और ए जेड को मैं लिखता हूँ ओ ए माइनस ओ जेड। पहले इसको आप नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर मैं यहीं पे शुरू कर दूँ। इक्वेशन वन को देखो आप, मैं फिर से कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है, एक बार मुझे फ्रेम देख लेने दो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है इक्वेशन, पर आप बड़ी हिम्मत ही बचे हो, आप उसको ट्राई करना, कोशिश करना। ए एफ इक्वल टू क्या है भाई, ई ए जेड, ए एफ, ए एफ को मैं क्या लिखूं, ए एफ को ओ एफ माइनस ओ ए, देखो आप जरा, ओ एफ माइनस ओ ए, ठीक है, ओ एफ माइनस ओ ए। ए जेड को मैं क्या लिखूं, बल्कि ए जेड ऑलरेडी आ चुका है, ए माइनस ए बाई ए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। ओ एफ ओ ए, ए के बराबर है ए ई माइनस ए, देखो तो ए और ए कैंसिल, ओ एफ इक्वल टू क्या हो गया, ए ई, पहले जैसे आता था ना एलिप्स में, सब कुछ वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ का वैल्यू निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे ओ जेड निकालना है, ओ जेड, तो मैं अब ओ जेड कैसे निकालता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मिटा दूँ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ओ जेड, क्योंकि सारा डिस्टेंस आपको ओरिजिन से लेना होता है, इक्वल टू क्या होगा, ओ ए माइनस ए जेड, देखो तो ओ ए माइनस ए जेड, ए जेड आपने निकाला हुआ है, ओ ए आपका ए है, ए माइनस ए जेड, ए माइनस ए बाई ई, ए से ए कैंसिल, यहाँ से ओ जेड इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई ई, सब निकल गया, यहाँ से ये a बाई ई हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू ए बाई ई, जैसे तुमने बनाया था, किस में बनाया था भाई, एलिप्स में, बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनेगा, हूबहू ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब जरा सारा पता चल गया, इसको फोटो खींचते हैं, खींच लो, पर सारा पता चल गया, देख लो आप, तो क्या क्या पता चल गया देखिए, अब हमारा इक्वेशन होगा इसका फिक्स पॉइंट के लिए, पी एफ, पी एफ इक्वल टू पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू ई, या पी एफ इक्वल टू ई पी एम, ये पहले भी एक बार हो चुका है। डिस्टेंस फार्मूला, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू ई, अब पी एम के लिए आपको पता है ना, पॉइंट से एक्स माइनस ए बाई ई अपॉन अंडर रूट वन, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस का यही फार्मूला होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर और एक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस टू ए अपॉन ई और ये एक्स, ब्रैकेट खोलोगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोल के देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर लेकर जाओ, ई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ई का वैल्यू वन से बड़ा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ई स्क्वायर माइनस वन, ई का वैल्यू वन से बड़ा है, इससे सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो, जैसे एलिप्स में किया था, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, इसको हम बी स्क्वायर कहते हैं, इक्वेशन हो गया, आई होप, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये तो हो गया कहने की बात। अब मैं बता रहा हूँ अब क्या करना है। देखो जरा समझ में आ गया। देखो अब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको देखिए पहले आप। अभी देखो क्या नज़र आ रहा, फोकस वगैरह किस पे, एक्स एक्सिस पे। फोकस वगैरह एक्स एक्सिस पे है तो ऐसा इक्वेशन बन गया। फोकस एक्स एक्सिस पे तो ये वाला इक्वेशन बन गया। क्या बना देखो, हमारा ये था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना, दिख रहा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका सकल कुछ ऐसा बन गया था, ये देखो ऐसे बन गया था और ऐसे बन गया था, है ना। ये ओरिजिन था, इसका फोकस होता था, इसका फोकस ए ई जीरो, याद करो ए ई जीरो, इधर माइनस ए ई जीरो, ठीक है। और ये होता था वर्टेक्स ए जीरो माइनस ए जीरो, सेंटर ये होता था इसका, है ना। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता था एक्स इक्वल टू ए बाई ए, याद है एक्स इक्वल टू ए बाई बी। तो क्या क्या होता था, सुनना जरा। देखो पहला, इसका सेंटर क्या होता था, सेंटर हमेशा ओरिजिन, तुम्हारे सिलेबस में तो यही है। वर्टेक्स, वर्टेक्स इस पॉइंट को कहते थे प्लस माइनस ए जीरो। अब यहाँ भी याद है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस यहाँ पे होता था ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस जिस पे ये फोकस वगैरह होता है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एक्स एक्सिस। इस वाले में याद करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसकी बात कर रहा हूँ। एलिप्स में देखते थे कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव साइड में कौन सा है, कौन सा बड़ा है छोटा है कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव साइड में ए है। तो अब एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो गया, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अब इस वाले को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स, याद है जो एलिप्स में जो काम मेजर एक्सिस करता था यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस उसको बोला जाएगा, और जो माइनर एक्सिस होता तो उसको हम कहते हैं कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस वो बोला जाता है टू बी, याद रखना, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ वहाँ भी वही होता था यहाँ भी वही होगा टू बी स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। फोकस, फोकस होता है यहाँ पे, फोकस होता है प्लस माइनस ए ई जीरो, प्लस माइनस, और यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, याद है इसी को तो हमने बी स्क्वायर लिखा था, इसी को बी स्क्वायर लिखा था। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप ये मत देखना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो देखना कि निगेटिव में कौन सा पॉजिटिव में कौन सा है। जो पॉजिटिव में रहेगा उसी पे फोकस फोकस रहेगा। अब पॉजिटिव में ये है कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, फोकस यहाँ पे नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं बी ई, यहाँ पे फोकस नज़र आएगा माइनस बी ई, सेंटर वही रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू बी बाई ई, दो दो हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ शायद नज़र आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, ये होता है ए बाई ई, है ना, प्लस माइनस ए बाई ई, नज़र आया, बिल्कुल नज़र आया, बिल्कुल नज़र आया। अच्छा ऊपर का कुछ नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सेटिंग कर दूँ, एक मिनट रुकना ज़रा। अब आई थिंक थोड़ा सा ऊपर का भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये याद है एलिप्स वाला सारा फंडा लगा है, मैं ज़्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करना चाहता। तो ये हो गया, तो इस वाले का जब पॉजिटिव साइड में ये है तो यहाँ से सेंटर क्या होगा, सेंटर अभी भी वही होगा जीरो जीरो,
फर्स्ट, सेकेंड फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ से फोकस हो जाएगा जीरो प्लस माइनस बी ई। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, यहाँ से ए बाई ए होता था वहाँ पे बी बाई ई। फोर्थ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम याद करना, ये टू बी स्क्वायर बाई ए होता था, यहाँ पे टू ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। फिफ्थ यहाँ से देख रहे हो ये फार्मूला बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस वन, ऐसा हो जाएगा है ना। फोकस लिख दिया मैंने, फोकस लिख दिया। वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा वर्टेक्स जीरो प्लस माइनस बी, ये वाला पॉइंट हो गया जीरो बी और ये वाला पॉइंट हो गया जीरो माइनस बी, इसको वर्टेक्स बोलते हैं है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस वही जो वाई एक्सिस है 2b हो जाएगा इस बार 2b, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस ये हो जाएगा इस बार 2a है ना। बस यही सब है, आपको खाली ये देखना होता है कि किस साइड गया, नेगेटिव साइड में कौन सा, पॉजिटिव साइड में कौन सा, और कुछ नहीं। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसे कोई लेना देना नहीं है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसे कोई लेना देना नहीं। अब जैसे देखिए जरा, देखो एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिया मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है ना, ऐसे तो इसको ढंग से लिखोगे तो ये क्या दिखाई देगा, वन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन स्क्वायर इक्वल टू वन, तो देख रहे हो वन वन तो बराबर है पर ये पॉजिटिव साइड में है। तो ए इससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ए भी वन आ गया बी भी वन आ गया है ना। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वन वन, ई स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से ई निकाल दो तो रूट टू आ जाएगा, नहीं वन से बड़ा। फोकस क्या हो जाएगा, ए ई जीरो प्लस माइनस ए ई जीरो, आपको ए पता है ई पता है रख दो। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, सब पता है आपको है ना। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, मैं अगर ऐसा लिखूँ तो समझ जाना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे 2a हो जाएगा, a आपको पता है क्या वन है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, कंजुगेट एक्सिस ये हो जाएगा 2b, b भी पता है ना। यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे फार्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई a, सारा चीज़ आपको पता है। वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पे वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a जीरो, तो सारा चीज़ पता है। अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ लिया, मान लो देखो तो 9x स्क्वायर, बल्कि चलो एक काम कर लेता हूँ 9y स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 225, यहाँ से कहेगा इसका सारा पूरा खानदान पता करो क्या है नहीं है ये, तो 225 से सबको डिवाइड कीजिए, तो 25 अपॉन 225 ये 9 हो जाएगा, x स्क्वायर ये 25 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब देख लो ए क्या है, थ्री का स्क्वायर, बल्कि सॉरी वाई के नीचे वाले को आपके बुक में थोड़ा सा अलग दे रखा पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों दे रखा, वाई के नीचे वाले को मैं हमेशा बी कहता हूँ जो कि थ्री का स्क्वायर है, एक्स के नीचे वाले को मैं हमेशा ए कहता हूँ जो कि पाँच का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव साइड में, वाई अब पॉजिटिव साइड में, वाई अब पॉजिटिव साइड में है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा जीरो प्लस माइनस बी, बी पता है आपको, बी पता है। और यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ए भी पता है तुम्हारा ई निकल जाएगा, समझ रहे हो, सब पता है। डायरेक्ट्रिक्स अब यहाँ पे वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी बाई ई, ई निकाल लो बी, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ
ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा 2b, अब ये सीधा 6 दिख रहा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे दिख रहा 2a, तो ये हो गया 5 × 10 हो गया जी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मैंने LR लिखा हुआ है ना, अगर दिख नहीं रहा तो सुन तो लो, लेटस रेक्टम लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a² b हो जाएगा। a स्क्वायर की जगह आपको पता है क्या रखना है, 25, b की जगह पे 9 रखना है, ऐसे करके निकालना है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ज़रा ध्यान से सुन रहे, देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि अब तुम NCERT तो एटलीस्ट सारे कर सकते हो, NCERT के सारे। अब ये क्वेश्चंस दे रखा कि सुनना, फोकस दे रखा, इसेंट्रिसिटी दे रखा और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है ना। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे NCERT में तो नहीं है, पर आप देखिए तो सही है ना, ये तो थ्योरम जहाँ से आया वो सारा बेसिक दे रखा है। इसमें एक क्वेश्चन है भाई कि एक हाइपरबोला है, और हाइपरबोला है कि नहीं वो नहीं दे रखा, पर आप देख रहे हो इसेंट्रिसिटी दे रखा 1 से ज़्यादा तो हाइपरबोला है। फोकस दे रखा 1:1, आप लोग पॉज करके ट्राई करना है। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन 2x + y = 1। तो आपको पता है इक्वेशन निकालना, पैराबोला हाइपरबोला, एक पॉइंट ले लेता हूँ xy, और ये पॉइंट कुछ ऐसा है, एक लाइन है डायरेक्ट्रिक्स 2x + y = 1, एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं 1 और 1। तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, इसको अगर f और ये अगर m कह दूँ तो जो रूट चीज था वही तो दे रखा, ये e होता है x - 1² अब प्लस y - 1² = e। अब pm की जगह पे क्या रखोगे, pm की जगह पे ये डिस्टेंस कैसे निकालते, आपको पता है ना, 2x + y - 1 अपॉन 2² और 1² और इनका होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि मैंने इधर भी होल स्क्वायर कर रखा डिस्टेंस का। इसके बाद जो आए वही आंसर है, एक्स स्क्वायर आएगा कुछ, वाई स्क्वायर साथ में एक्स के साथ कुछ आएगा, साथ में वाई के साथ कुछ आएगा, तो जो आएगा वही आंसर है। याद है ये बिल्कुल बेसिक का दे रखा, जहाँ से हमने इक्वेशन निकाला था वो दे रखा ही है। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ये लो क्वेश्चन है कि 16x² - 9y² = ये दे रखा इक्वेशन, कह रखा इसका इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, e = what, पॉज करके बनाना तो ये 5/3 आया कि नहीं आया, ट्राई कर लेना। एक और क्वेश्चन दे रखा, फोकस दे रखा, फोकस फोकाई क्योंकि दो दो होता पुलरल, तो ये दे रखा 0 + -30 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस = दे रखा 24। इसको आप देखिए, फोकस से साफ दिख रहा कि ये किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, y² पॉजिटिव साइड में रहने वाला है। ये तो पक्की बात है, इसका फोकस क्या होता है, BE होता है, ऐसी वाली सकल का फोकस यही होता है, BE दे रखा 13। ये चलो पहला, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, अब यहाँ पर जोड़ा 2b, ये हो गया क्या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो 2a क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, याद है ये इसका सकल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब ये हो जाएगा 2b हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि फोकस वगैरह इसी पे रहेगा, ये वाला हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस 2a दे रखा है ना, ये कितना दे रखा 24, यहाँ से a निकल गया 12। अब देखो BE दे रखा 13, A दे रखा 12। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, a² = क्या होता है b² e² - 1, याद है, a² = b² e² - b², a² BE कितना दे रखा भाई 13 दे रखा, 13 - b², आपको A भी पता है 12² = 13 - b². अच्छा ये BE है तो 13² कर देता हूँ, तो यहाँ से b² निकाल दो तो यहाँ पे 25, तो b आ जाएगा 5। इसके बाद तो सारी कहानी कह सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो a और b, तो y² / 5² 25, x² / 144 = 1,
ऐसा। एक क्वेश्चन है वर्टिसेस दे रखा और इसेंट्रिसिटी दे रखा, वर्टिसेस दे रखा और इसेंट्रिसिटी दे रखा, कह रहा है इक्वेशन निकालना है हाइपरबोला का, है ना। हाइपरबोला तो नहीं कह रहा, पर इसेंट्रिसिटी देख के समझ में आ गया कि हाइपरबोला है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो देखो, वर्टिसेस दे रखा, वर्टिसेस दे रखा प्लस माइनस। अब ये साफ दिख रहा कि ये वर्टिसेस से समझ में आ रहा कि इक्वेशन ऐसा बनेगा, क्योंकि वर्टिसेस किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो फोकस भी इसी पे होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड में रहने वाला है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी दे रखा 4/3, ये 7/0 है, इसेंट्रिसिटी दे रखा 4/3, तो ग्रेटर देन 1 है, तो समझो ये हाइपरबोला है। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता जब ये एक्स एक्सिस पे सब कुछ हो तो ए 0 होता, मतलब ए इक्वल टू तुम्हारा कितना दे रखा 7। यहाँ से तुम बी स्क्वायर निकाल सकते हो, फॉर्मूला ये रहा ए स्क्वायर माइनस 1, है ना। आपको इक्वेशन ही निकालना है, पॉज करके इक्वेशन निकालो और इसका आंसर होना है, ये देखो 7x² - 9y² = 343। यह आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता दूंगा बाद में। एक और क्वेश्चन है सेंटर दे रखा, सेंटर ओरिजिन पे है, वो तुम्हारे सिलेबस में जो भी है सब ओरिजिन पे फिलहाल के लिए है ना। और ये देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दे रखा 6 और फोकस दे रखा, फोकस फोकस दे रखा है 0.4। पॉज करके बनाइए इसको, पॉज करके बनाइए, इसका आंसर आएगा y² / 9 - x² / 7 = 1। ये है इसका आंसर, है ना। तो भाई क्या करोगे, फोकस देख के समझ में आ रहा कि ये इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y² / b² - x² / a² इक्वेशन देख के समझ में आ गया कि y एक्सिस का माँ बाप है, इसका जो होल एंड सोल है वो क्या है, y एक्सिस है, इसका जो सब कुछ है वो क्या है, y एक्सिस है। ये देखो तो y² / b², ठीक है भाई, ये तो हो गया। चलो फोकस दे रखा है, इसका मतलब क्या, बी ई, याद है फोकस बी ई होता है, इसका मतलब वो दे रखा 4, समझ में आ रहा। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2b का वैल्यू दे रखा, ट्रांसवर्स एक्सिस, याद है ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या हो गया कंजुगेट एक्सिस, और वो दे रखा 6, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया 3, 3 का² 9 होता है, तो आंसर में 9 तो आना ही था। अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा लो, बी आ गया भाई, ई आ गया 4/3, देखो तो यहाँ से बी ई इक्वल टू 4, बी सॉरी यहाँ से बी का वैल्यू निकाला तुमने, बी इक्वल टू आ गया 3, है ना, देख रहा हूँ बी 4 है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/b, मतलब 4/3। ए निकालना है निकाल लो, फार्मूला अब यहाँ पे ये बन जाएगा b² e² - 1, ए निकाल लेना, ए आ जाएगा √7 आ जाएगा, निकाल के देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया तुम्हारा 4 और आ गया, ठीक है, है ना। अब ये देखो एक और क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि x² / a² - y² / b², ये इक्वेशन इक्वल टू 1, पासेस थ्रो 3.0 and √2 फाइंड इसेंट्रिसिटी। भाई ये दोनों पॉइंट पुट कर दो ना, ये क्वेश्चन है, ई निकालना है, ई इक्वल टू व्हाट, पॉज करके बनाइए, वेरी गुड बना लिए तुम लोगों ने, x² / a² अब ये पुट कर दो, अगर ये वाकई में इस पॉइंट से पास कर रहा तो सेटिस्फाई करेगा, तो 9/a² - ये लो, ये तो साफ ही हो गया, तो यहाँ से a² बड़े आराम से निकल गया 9, तो ज़्यादा माथा पची है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे रखो आप 3√2 और ये 2 रखो भाई, 3√2, तो 3² 9, 18 हो गया मेरे ख्याल से, -y² की जगह पे क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो 4/b² = 1, a² की जगह 9 रखो आ जाएगा, ठीक है भाई, 9 रख के b² निकाल लेना, हमारा इसेंट्रिसिटी का आंसर आ जाएगा, e का वैल्यू आ जाएगा √13/3, आ गया तो ठीक है, नहीं तो देख लेना मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है।
फिर देखो एक और क्वेश्चन देखो, बल्कि दो क्वेश्चन है, थोड़ा 5 मिनट और दूंगा, दो ही क्वेश्चन है, पर पॉज कर करके बनाने की कोशिश करना है इसको। एक क्वेश्चन दे रखा, सेंटर दे रखा 0 0, ऑब्वियस सेंटर 0 0 ही होगा, सेंटर ओरिजिन है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ये लो ट्रांसवर्स एक्सिस कह रहा है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब सकल कुछ ऐसी है। अगर एक्स एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसका मतलब फोकस वोकस सब उसी पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव साइड में रहेगा, मानते हो। ई दे रखा रूट फाइव है ना, और सम ऑफ, अब देखो एक चीज देखो, सम ऑफ हुज सेमी एक्सिस, अगर ये सेमी एक्सिस इक्वल टू दे रखा 9, अब ये अगर एलिप्स में भी ऐसा था, सेमी एक्सिस इधर वाला यहाँ से यहाँ तक क्या होता था ए, ये वाला क्या होता था बी, इसी को सेमी एक्सिस बोला जाता है, ए प्लस बी, हाइपरबोला में भी ऐसा है, तो ए प्लस बी 9 दे रखा है ना। आपको फाइंड आउट करना इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगा, ठीक है भाई। ये देखो तो ए प्लस बी दे रखा 9, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू दे रखा 9। इसेंट्रिसिटी दे रखा, देखो यहाँ से अब ये है ना, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1, इसेंट्रिसिटी हमें पता है, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर 5 माइनस 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भाई 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह रखता हूँ मैं 9 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 3a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस 3 से सबको डिवाइड करो, ए स्क्वायर प्लस 6a और माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना, सही है। तो ये वाला है सम ऑफ e रूट 5 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36, यहाँ से 6 3, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 4 देखो तो कुछ गड़बड़ कर दिया, ए प्लस बी, रुको एक मिनट, सम ऑफ सेमी एक्सिस ए प्लस बी 9 दे रखा, तो हो गया तुम्हारा, अच्छा ये देख रहे हो कितना बकवास किया मैंने, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 81, तो सबको उधर लेके जाओ, चलो ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 81 इक्वल टू 0, 3 से सबको डिवाइड कर दो, माइनस से भी साथ में, 6a माइनस 27 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 9, तो ए स्क्वायर ए प्लस 9 और a माइनस 3 ऐसा हो जाएगा, 9 3 27, हाँ ठीक है, तो यहाँ से दो दो वैल्यू आ गया, a इक्वल टू माइनस 9 भी आ गया और a इक्वल टू 3 भी आ गया, दोनों चलेगा है ना, a अगर माइनस 9 आ गया तो b देख लो क्या हो जाएगा 3, और a अगर 3 आ गया तो b हो जाएगा माइनस 9, तो कोई भी रख लो इक्वेशन, रख के देखिए है ना, सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ रहे हो, देखो ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर हमने एक जगह पे 3 रख दिया तो 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो b अपने आप हो जाएगा तुम्हारा, b रख के देखो 6 हो जाएगा 36 इक्वल टू 1 हो जाएगा है ना, और दूसरा भी है कि आप यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा 9 रखोगे, अच्छा 9 एक जगह माइनस 9 रखोगे तो b हो जाएगा 18 है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, माइनस रिजेक्ट कर देना क्योंकि ये लेंथ इस बार दे रखा है ना, ये सम तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बस यही आंसर आएगा, क्योंकि वो इस बार लेंथ दे रखा, कोई पॉइंट्स नहीं दे रखे है ना, लेंथ है ना, सम ऑफ हुज सेमी एक्सिस लेंथ दे रखा, तो नेगेटिव का सवाल नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना ठीक है। और ये वैसे भी देखो ना,
ये वाला अगर 3 आ गया तो इधर माइनस 3 तो आना ही था, है ना, वो तो कोऑर्डिनेट है। पर ये देखो एक और लास्ट, लास्ट में क्या है कि देखो फोकस दे रखा 0 ± √10, 0 ± √10 फोकस, 0 ± √10। इसको देखते ही तुम समझ जाना ये कौन सा इक्वेशन है, प्लस पॉजिटिव साइड में कौन सा रहने वाला है। इसको देखते ही आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव साइड में कौन सा रहने वाला है। और कह रहा है पासेस थ्रो, ये पास भी कर रहा है, पासेस थ्रो किससे पास कर रहा है भाई, 2 और 3 से पास कर रहा है, 2 और 3 से पास कर रहा है, फोकस दे रखा। तो 2 और 3 से जब पास कर रहा है, पहले तो फोकस दे रखा मतलब बी ई इक्वल टू दे रखा 10 √10, और इससे पास कर रहा 2 3 से, तो 3 रख दे तो 9 / b² - 4 / a² = 1। देख रहे हो, ठीक है, 9 a² - 4 b² = a² b² ये हो गया पहला। बी ई रूट टेन है तो मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर यहाँ से ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, वाई एक्सिस के लिए अगर ये पॉजिटिव साइड में है तो ये हो गया a² = b² e² - b² बी ई की जगह पे क्या रखोगे, तो a² = 10 - b² एक इक्वेशन यहाँ पर रख लो मेरे लिए, या बी स्क्वायर को फ्री कर दो। अब इसमें पुट कर दो, मैं इसको मिटाता हूँ, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में काम तो नहीं ले रहा, थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको देखिए a² = 10 - b² एक यहाँ पे बन गया हमारा, कहाँ पे, यहाँ पे 9 a² - 4 b² = a² b² तो 9 a² b² की जगह पे रख लेता हूँ, है ना, 10 - अच्छा चलो रहने दो, ए स्क्वायर की जगह पे 10 - b² देखो तो ए स्क्वायर की जगह पे -4 b² = 10 - b² और ये हो गया b² तो 90 - 9 b² - 4 b² - 10 b² - b4 इधर सबको लेके आओ, b4 10, ये कितना हो गया 13 - 13 तो -23 b² और ये 90 + 90 तो ये b² 18 + 5 = 18 तो 18 एक ये बनेगा और b² - 5 = 0। अब दोनों वैल्यू लुक किया, दोनों का पॉजिटिव वाला ले सकते हैं क्या, देख लेते हैं। अब b² = 5 यहाँ पे पुट करके देखो, है ना, बी ई बी की जगह पे 18 रखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ई का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, याद रखना, है ना, क्योंकि हाइपरबोला है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई। रीज़न क्या है, अगर हम यहाँ पर रखते हैं इसकी वैल्यू को, यहाँ पर रखते ज़रा देखो तो, बी की जगह पर √18 रख दिया और ये √10 है, तो √10 / e का वैल्यू हो जाएगा देखो तो √10 / b, अब b अगर हमने रख दिया √18 तो < 1 हो जाएगा, तो खाली यही आएगा b² = 5 आ जाएगा, बस b² तुम्हारा आ गया, a² भी 5 आ जाएगा, हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा y² - x² 5 = 5 उधर लेके चला गया मैं। आई होप आपको समझ में आ गया, बस इतनी सी बात थी, ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कराना शुरू करो।